सबसे पहले आपको चाहिए केराटिन ट्रीटमेंट की क्रीम, जो मैंने कहा आपको किसी भी नज़दीकी ब्यूटी शॉप से मिल जाएगी और इसकी प्राइस है 1800 रुपीज़। और फिर आपको चाहिए कुछ क्लिप्स या कुछ बंचेस जो आप घर में डेली वेयर में यूज़ करते हो, वो भी चलेगा। एक टेल कोम्ब बालों की सेक्शनिंग करने के लिए और कोम्ब करने के लिए, एक प्लास्टिक बोल, एक पेयर ऑफ ग्लव्स, ब्रश एप्लीकेशन के लिए, क्रीम की एप्लीकेशन के लिए, क्लिंग रैप जो हम फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए हम जो क्लिंग रैप जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो, एक ब्लो ड्रायर और एक फ्लैट आयन। ये फ्लैट आयन में सेलेनियम प्लेट की होनी चाहिए और कम से कम 220 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। प्रोसीजर शुरू करने से पहले आप कोई ऐसा टी शर्ट या कोई ऐसा कपड़ा पहन लें जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके बालों की पार्टिशनिंग से। पार्टिशनिंग कैसी करना है आपके बालों की, ये मैंने मेरे पिछले स्मूदिंग और स्ट्रेटनिंग के वीडियो में बताया, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसका जो पार्टिशनिंग करने का तरीका है और उसका क्रीम अप्लाई करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, फिर भी शॉर्ट में बता रही हूँ कि सबसे पहले आप फ्रंट से पार्टिशनिंग करें, ईयर टू ईयर पार्टिशन करें, और फिर ये जो दोनों बालों को आप आगे छोड़ दें इसको हम बिल्कुल आखिर में करते हैं। और जो पीछे के बाल है वहाँ से आप नीचे के नेप के सेक्शन से आप पार्टीशन निकालना शुरू करें, क्योंकि हम हमारा प्रोसीजर पीछे से नीचे के तरफ से शुरू करते हैं। अब नीचे से मैंने ये इतना सेक्शन निकाला है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बालों की थिकनेस कैसी है उसको आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, एक या दो या हो सकता है तीन सेक्शन में। मैं यहाँ पर इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। अब क्रीम अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको ग्लव्स पहन लेना है, ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा 10 रुपए के अंदर। और फिर आपको जो क्रीम है केराटिन ट्रीटमेंट की, ये जो क्रीम है इसको आपको एक प्लास्टिक बाउल में ही निकालनी है, कोई मेटल का आप मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और फिर ये जो मैंने ब्रश बताया था आपको, इससे आप अपनी इस क्रीम को अपने बालों पर अप्लाई करेंगे एक एक सेक्शन पर। क्रीम को अप्लाई करने के लिए हर एक सेक्शन में ऊपर से आधे या एक इंच का पोर्शन छोड़कर आप क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम अप्लाई करने का पूरा तरीका मैंने पिछले वीडियो स्मूदिंग और स्ट्रेटनिंग के इसमें बताया है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ, फिर भी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहले तो क्रीम अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्रीम यूज़ करें एट अ टाइम, उसके बाद में अगर आपको लगती है तो आप और निकाल सकते हो। जब ब्रश से आप क्रीम अप्लाई करोगे सेक्शन पे, तो ज़्यादा क्रीम आप ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी आप नीचे अप्लाई करेंगे। अब फिर दो उंगलियों की मदद से इस क्रीम को आप ऊपर से नीचे तक इस तरह से खींचेंगे, ताकि ये जो क्रीम है आपकी ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और एक बार ये अच्छे से स्प्रेड हो गई तब हम करेंगे इमल्सिफिकेशन। इससे ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इससे आपकी ये जो क्रीम है बिल्कुल एक एक स्ट्रैंड में लग जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम लेकर हर एक सेक्शन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इमल्सिफाई करें, ताकि क्रीम बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो जाए। एक बार एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए तब हम बढ़ेंगे दूसरे सेक्शन की तरफ, और इसी तरह से हम सारे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसमें सेक्शनिंग यानी पार्टिशनिंग करने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्रीम को कैसे अप्लाई करें ये भी बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने मेरे पिछले स्मूदिंग और स्ट्रेटनिंग के वीडियो में अप्लाई करके बताया है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करके बताया, तो प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से देखें और उसी तरह से इस क्रीम को भी अप्लाई करें। प्रोसीजर थोड़ा सा सेम है लेकिन स्टेप्स थोड़े बहुत अलग है। अब एक बार आपने क्रीम अप्लाई कर दी तब आपको यूज़ करना है आपका ये क्लिंग रैप, और इससे आप पूरे बालों को कवर कर लीजिए। हम यहाँ पे इस तरह का ये क्लिंग रैप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो क्रीम है ये हीट प्रोड्यूस करती है, और हम चाहते हैं कि ये हीट आपके बालों में ही रहे, इसलिए हम इसको कवर करते हैं ताकि आपकी हीट को ट्रैप करके रखे, क्योंकि इससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसको इस तरह से अप्लाई करके कवर करने के बाद आप 45 मिनट्स के लिए वेट करेंगे अगर आपके बाल वर्जिन है, यानी कि अगर आपने कभी अपने बालों में कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, कलरिंग वगैरह नहीं की है, तो आप 45 मिनट्स के लिए वेट करेंगे। और अगर आपने कभी अपने बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ किया है तो आप 30 मिनट्स के लिए अपने बालों में इसको अप्लाई करके वेट करेंगे। क्योंकि मेरी जो मॉडल है उसके बाल वर्जिन है, तो मैं 45 मिनट्स के लिए वेट करूंगी, और 45 मिनट्स के बाद हम ये चाहते हैं कि जो केराटिन हमने अप्लाई किया है ये आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। तो इसके लिए हमारा अगला स्टेप है कि हम ब्लो ड्राई करें अपने बालों को। ब्लो ड्राई करने के लिए आपको अपने ऑब्वियसली एक ब्लो ड्रायर की जरूरत होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी से एक दिन के लिए अरेंज कर सकते हो, किसी से मांग सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है, और एक पैडल ब्रश भी। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो लोगों का केराटिन ट्रीटमेंट किया था, तो मेरे हाथ थोड़े से दर्द दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे किसी की हेल्प ले रही हूँ। आप भी चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो, अगर आपके हाथ दर्द नहीं दे रहे तो भी, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी और से पैडल ब्रश पकड़वा रही हूँ और ब्लो ड्राई मैं खुद कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, यहाँ पे कोई आपके बालों में वेव्स नहीं रहनी चाहिए, कोई डेंट वगैरह नहीं रहना चाहिए। ब्लो ड्राई करते वक्त भी आपको वैसे ही पार्टिशनिंग करनी है जैसे आपने क्रीम अप्लाई करते वक्त किया था, और बिल्कुल थोड़े थोड़े सेक्शन लेके आप अपने बालों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे।
बिल्कुल जैसा मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लीजिए। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद आपके बाल कुछ इस तरह दिखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा फाइनल स्टेप, जिसमें हमने जो ये केराटिन क्रीम अप्लाई की है अपने बालों में, हम चाहते हैं कि ये आपके बालों की शाफ्ट में यानी आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हीट मेथड का, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लैट आयन का। ये फ्लैट आयन होनी चाहिए सेलिनियम प्लेट की, और इसका टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए 220 डिग्री सेल्सियस तक। अब जैसे आपने क्रीम अप्लाई करते वक्त और ब्लो ड्राई करते वक्त अपने बालों को पार्टीशन किया था, उससे भी छोटे छोटे सेक्शंस लेकर आप अपने बालों को फिर से पार्टीशन करेंगे, और छोटे छोटे सेक्शन लेकर आप अपने बालों को स्ट्रेटन करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम स्ट्रेटन नहीं कर रहे, हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, जिससे जो हमने क्रीम अप्लाई की है वो आपके बालों के अंदर तक पहुँच सके। अब मैं आपको ये बता दूं कि केराटिन ट्रीटमेंट किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड है या आपने अपने बालों में कभी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग की है, कलरिंग वगैरह की है, तो ये आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। या फिर आप अपने बालों में रेगुलरली फ्लैट आयन यूज़ करते हो, ब्लो ड्राई करते हो अपने बालों को, तो ये केराटिन ट्रीटमेंट एक तरीके का हीट प्रोटेक्टेंट है, आपके बालों पर एक ऐसा कवच चढ़ाता है जिससे आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है हीट से भी। तो इसीलिए अगर आप रेगुलरली अपने बालों को फ्लैट आयन यूज़ करते हो या फिर ब्लो ड्राई करते हो, तो आपको केराटिन ज़रूर करानी चाहिए। और ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो अपने बालों का प्रॉपर केयर नहीं करते, हेयर स्पा वगैरह नहीं करते, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। वर्जिन बालों वाले जिनके बालों में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है प्रॉपर केयर नहीं करने की वजह से, वो भी इसको करा सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट से होता क्या है, जैसा मैंने कहा, लोग सोचते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करेगा। हाँ, 75-80% करेगा, वो भी केराटिन नहीं है, ट्रीटमेंट की वजह से आपके बाल स्ट्रेट हो रहे। केराटिन सिर्फ आपके बालों को बिल्कुल स्मूथ करता है, शाइन लाता है आपके बालों में, और आपके बालों से फ्रिजीनेस बिल्कुल चली जाती है, जो फ्लाईवेज की प्रॉब्लम होती है, जो ये क्या बोलते हैं बेबी हेयर की प्रॉब्लम होती है, वो भी कम्प्लीटली चली जाती है। तो इससे आपके बाल बिल्कुल स्लीक, स्ट्रेट, स्मूथ, शाइनी बनते हैं। तो इसलिए केराटिन ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए नहीं। अगर आप अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करते हो, डाई करते हो अपने बालों को, तो केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों में अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर आप करना भी चाहते हो, तो कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले अपने मेहंदी और डाई करना छोड़ दो, उसके बाद में आप केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हो। और इसका रिजल्ट कितने दिनों के लिए रहता है, 3 से 5 महीने के लिए इसका रिजल्ट आराम से आपके बालों में रहेगा। मेरी ये जो मॉडल है, इसका जो बाल है काफ़ी डेंस तो है, लेकिन इसकी बालों का टेक्सचर जो है वो पतला है, इसलिए इसके बालों में 4 से 5 महीने के लिए आराम से रहेगा। और रही बात तो अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश करते हो अपने बालों को, तो ये और भी जल्दी निकलने लगेगा। इसके अलावा इसको मेंटेन करने के लिए आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो तो और भी ज़्यादा लंबा आपका ये केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों में टिकेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेप केराटिन ट्रीटमेंट का। फ्लैट आयन हमारा लास्ट स्टेप होता है यूज करना, और उसके बाद में आप देख सकते हो रिजल्ट बिफोर और आफ्टर से। जब आप कंपेयर करोगे केराटिन ट्रीटमेंट के बाद, आपको आपके बालों से खुद ही प्यार हो जाएगा। इतने स्मूथ, इतने शाइनी लगेंगे आपके बाल, इतने खूबसूरत लगेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि केराटिन ट्रीटमेंट मुझे करते ही रहना चाहिए। और ये वाकई में अच्छी चीज है, इस वजह से मैं आपको ये चीज रिकमेंड करूंगी। स्मूदिंग और स्ट्रेटनिंग के ऊपर तो मैं आपको इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। उसके अलावा जब आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करते हो, तो कम से कम 2 से 3 दिन तक आप अपने बालों में पानी नहीं लगने दोगे, पसीना नहीं आने दोगे, कान के पीछे नहीं डालोगे, सोते वक्त अपने बालों को पीछे रख के सोओगे, आप अपने बालों में कोई क्लिप, कोई बंच, कोई रबर बैंड वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते। आपको आपके बालों को खुला ही रखना है। बाहर कहीं पर जा रहे हो तो अवॉइड करो 2 से 3 दिन के लिए। फिर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो स्कार्फ ओढ़ कर जाओ, और अपने बालों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रहो, ताकि ये जो आपने किया है ये मेंटेन रहे।